राकंपा अर्बन सेल की शहर अध्यक्ष ज्वाला धोटे ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राकंपा में सामाजिक न्याय की बातें केवल चुनावी एजेंडे के समान है। नागपुर और विदर्भ में पार्टी की ओर से वसूली एजेंट नियुक्त करने का काम किया जाता है। बार बार निवेदन के बाद भी यहाँ के कार्यकर्ताओं की किसी शिकायत या निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शनिवार को इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अर्बन सेल के स्थानीय पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है। फिलहाल किसी राजनीतिक दल में प्रवेश का विचार नहीं किया है। पिछले कुछ समय से शहर राकंपा में ज्वाला धोटे चर्चा में रही हैं। गंगा जमुना बस्ती में पुलिस की कार्रवाई को लेकर राकंपा में ही मतभेद सामने आया था। राकंपा की प्रदेश महासचिव आभा पांडे ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। ज्वाला धोटे ने पुलिस और आभा पांडे का विरोध किया था। इस बीच ज्वाला ने कांग्रेस और शिवसेना को लेकर भी खुल कर बयानबाजियां की। महाविकास अघाड़ी में इन दलों के साथ राकंपा भी शामिल है। कांग्रेस नेता पालक मंत्री नितिन राउत के पुत्र कुणाल राउत को लेकर ज्वाला ने आरोप लगाए थे कि अपराध प्रवृत्ति के लोगों को कांग्रेस के नेता संरक्षण देते दिख रहे हैं। विकास के मुद्दे पर शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विदर्भ से भेदभाव करने के आरोप भी उन्होंने लगाए। ज्वाला ने कहा है कि न्याय की मांग के साथ 9 माह से वरिष्ठ नेताओं से निवेदन किया जाता रहा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मौन साधे रहते हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता केवल जेल जाने से बचने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में राकंपा में रहकर सामाजिक न्याय का कार्य नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अर्बन सेल अध्यक्षाच्या नात्याने राष्ट्रवादी कांग्रेस अर्बन सेल संपूर्णपणे ज्वाला जांबोतराव धोटे आज गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर बरखास्त करते। अर्बन सेलचे सर्व पदाधिकारी आज आपल्या पक्षाचा आणि पदांचा सामूहिक राजीनामा देत आहे। शरद पवारांचे धोरण होते 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, परंतु हे धोरण नितांत थोतांड आहे, खोटे आहे, हा ड्रामा आहे। हे धोरण राजकीय पक्षाच्या मॅनिफेस्टोसारखे आहेत, निवडणुकीच्या अजेंड्यासारखे आहेत। फक्त जनतेला प्रलोभित करण्यासाठी, मतांसाठी आकर्षित करण्यासाठी जसे राजकीय पक्ष राजकीय अजेंडे पुढे ठेवतात, निवडणूक अजेंडा पुढे ठेवतात, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचं हे धोरण आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। परंतु ते धोरणाला कुठेच न्याय मिळताना दिसत नाही। गेल्या 9 महिन्यापासून विविध अन्यायग्रस्तांसाठी मी लढत आहे, शोषित वर्गासाठी मी लढत आहे, पीडितांसाठी मी लढत आहे, परंतु या सगळ्या बाबींकडे पक्षांनी अतिशय सफाईने पाठ दाखवलेली आहे। गृहमंत्री पदाचा सदुपयोग ते करू शकत नाही, गृहमंत्री पदाला न्याय ते देऊ शकत नाही। मुख्यमंत्री फक्त मुंबईचे मुख्यमंत्री आहे, उपमुख्यमंत्री फक्त बारामती आणि पुण्याचे उपमुख्यमंत्री आहे। विदर्भाला, उपराजधानी नागपूरला या लोकांनी वाऱ्यावर सोडून दिलेला आहे।